आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। इस वर्ष 15 अगस्त को भारत की आजादी के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 70 वर्षों में भारत ने बहुत उन्नति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन हमें ये सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तेज गति से विकास हुआ है वो अपने आप में बेमिसाल है। प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, यानी सबका सहयोग लेंगे और सबके लिए विकास करेंगे और सर्वांगीण विकास करेंगे। इन दो वर्षों में बहुत योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, लेकिन हमने उसमें से केवल 70 छांटी हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें आपको इस बात की झलक मिलेगी कि कोई भी एक वर्ग उनकी आँख से अछूता नहीं हुआ, किसी भी एक वर्ग का हित उनके हृदय से ओझल नहीं हुआ। इसलिए हमने वर्गीकरण किया है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए, सुशासन के लिए, और कुछ योजनाएं अभियान के रूप में चलाई गई हैं उनका भी हमने उल्लेख किया है। मुझे लगता है आपको ये देखकर अच्छा लगेगा और आप स्वयं सहमत होंगे कि वाकई विकास की रफ्तार केवल तेजी नहीं, बल्कि अगर मैं कहूँ सुपरसोनिक स्पीड पर विकास हुआ है तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप इससे सहमत होंगे। आप सबको आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ पर मेरी ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
Skill India took birth in 2015 with an objective of harmonizing various skill development initiatives across the country for better efficiency. गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें।